कांग्रेसी विधायक कुलजीत नागरा दी प्रधानमंत्री नूं चिट्ठी लिखी है। कुलजीत नागरा ने किसान विरोधी ऑर्डीनेंसा का विरोध किया चिट्ठी लिख के। नागरा ने मुख्यमंत्री नूं अपील की है कि पंजाब विधानसभा का विशेष इजलास बुलाया जाए, सारे इकट्ठे होकर ऑर्डीनेंसा का विरोध करिए। न्यूज़ रूम तो साढ़े सहयोगी राजेश चौहान साढ़े नाल बने ने। राजेश, की कुछ तमाम जानकारी है? कुलजीत नागरा दे वल्लों प्रधानमंत्री नूं चिट्ठी लिखी गई है, की कुछ जिक्र किया गया इस दे विच होर कुलजीत नागरा वल्लों? बिल्कुल, कुलजीत नागरा जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने एक खुले पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया है कि जो तीन ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार की ओर से पास किए गए थे वो उचित नहीं हैं और किसान विरोधी ऑर्डिनेंस है, जो कि एक नेशन एक मंडी का जो ऑर्डिनेंस है उसका खास तौर पर विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि इससे पंजाब के किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि पंजाब के किसान पूरे देश में बड़ी मात्रा में अन्न भंडारों को भरते हैं और उन्हीं किसानों के खिलाफ ये बिल है। ऐसे में आने वाले समय में उन्होंने आशंका जताई है कि सरकारी जो खरीद है, प्रोक्योरमेंट है, वो बंद हो सकती है। तो इसको लेकर के उन्होंने कहा कि ये राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसके लिए पंजाब सरकार एक विशेष सत्र बुलाए और उस सत्र में इसके ऊपर चर्चा की जाए पंजाब विधानसभा में, ताकि इसका कोई और रास्ता निकाला जा सके। ये खुला पत्र कुलजीत नागरा ने लिखा है। जी अर्जेश, की लगता गया एक पास जिते विरोधी इस गल लैके बिल्कुल भी मनन तैयार नहीं कि जिहड़ा MSP इस दे नाल खत्म नहीं होगा, तो उत्ते ही लगातार भाजपा जदों तो ऑर्डिनेंस जारी किए गए है तो वो ये गल कह रहे हैं कि MSP इस दे नाल खत्म बिल्कुल नहीं होगी, हालांकि किसान जिहड़े ने वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे और आज़ाद हो जाएंगे कितने भी अपनी फसल बेचण दे लई। तां की लगता है किस तरह भाजपा जिहड़ी है वह किसानां नूं इस दे हक दे विच लिया सकेगी, या फिर कह लीए कि विरोधी भारी पैंदे हुए नज़र आउणगे? देखिए जितेंद्र, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से इस बात का खास जिक्र किया, उन्होंने कहा कि बड़े लंबे समय से एक मांग थी किसानों की कि वन नेशन वन मंडी कर दी जाए, वन मार्केट कर दी जाए, और उन्होंने इसको उपलब्धि के तौर पर गिनाया कि हमने ये कानून जो है बना दिया है, ऑर्डिनेंस पास कर दिया है, अब किसान कहीं भी अपनी फसल बेच पाएंगे। लेकिन जो कांग्रेस है या जो विपक्षी जो दल हैं वो एक आशंका जता रहे हैं कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार प्रोक्योरमेंट को ख़त्म करने की साजिश रच रही है, इससे किसानों को नुकसान होगा। लेकिन बार बार भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम जो सहयोगी संगठन हैं, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो पंजाब में, उन्होंने भी इस बात की सफाई दी है और केंद्र सरकार के साथ तालमेल करके एक जनता को एक और किसानों को भरोसा दिया है कि प्रोक्योरमेंट खत्म नहीं होगी, सरकारी खरीद खत्म नहीं की जाएगी। लेकिन कांग्रेसी जो विधायक हैं उनको आशंका है कि प्रोक्योरमेंट खत्म होने जा रही है, तो इसी आशंका के लिए खुला पत्र कुलजीत नागरा ने ये लिखा है और इसके ऊपर एक विशेष इजलास बुलाने और उसके विधानसभा में इसके ऊपर चर्चा करने की उन्होंने मांग की है। एक चीज़ होर राजेश जाननी चाहवांगे कि जो ये चिट्ठियां लिखिया जांदियां प्रधानमंत्री नूं, क्योंकि प्रधानमंत्री का दायरा काफ़ी वड्डा हुंदा है और सूबे भर तो जिन्हें भी विधायक कह लिए या फिर MP कह लिए वो चिट्ठियां लिखते हैं वक् वक् मुद्दों नूं लैके, तो कि लगता है कि वाकई उत्थे तक जिहड़ी है पहुँच हुंदी है, ये जो चिट्ठियां लिखिया जांदियां ने वाकई उस PMO दफ्तर दे विच सुनवाई जिहड़ी हुंदी है या PM तक ये मुद्दे पहुँचते भी ने? जितेंद्र, देखिए ये सारी चीज़ों का एक मैकेनिज्म होता है। प्रधानमंत्री व्यक्तिगत तौर पर सारी चीज़ों को नहीं देख पाते हैं और उनके पास इतना समय भी नहीं होता है, लेकिन जो PMO है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, वो एक बहुत बड़ा वहाँ पर मैकेनिज्म है। जितने भी जो मांग पत्र हैं, ज्ञापन हैं या फिर दूसरे प्रकार के खुले पत्र हैं वो वहाँ जाते हैं और PMO के जो अधिकारी हैं वो उनको यदि उनको लगता है कि कोई इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई विषय है कि प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाना होता है तो वो पत्र प्रधानमंत्री के संज्ञान में भी लाए जाते हैं। लेकिन एक मैकेनिज्म है, PMO अपने तरीके से काम करता है, वहाँ पर बड़ी संख्या में जो है ऑफिसर हैं, IAS अधिकारी हैं, वो उनके जिम्मे बटे होते हैं कि वो किन किन जिम्मों को देखते हैं, तो उसी के आधार पर इस तरह के जो पत्र हैं उनके ऊपर वहाँ पर विचार होता है और उनको संज्ञान में भी लाया जाता है। जी राजेश, तमाम गलबात दे लई जानकारी दे लई बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब विधानसभा का इजलास बुलाने की भी गल कही गई है। नागरा ने कहा कि पंजाब विधानसभा का विशेष इजलास जिहड़ा बुलाया जाए और सारे इकट्ठे होकर ऑर्डीनेंसा का विरोध कर। कुलजीत नागरा कांग्रेस के विधायक ने और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है कि कांग्रेस जो किसान विरोधी ऑर्डीनेंस ने कांग्रेस उसका विरोध कर दिया है और उसके उत्ते कोई ना कोई जिहड़ा वो हल किया जाए, इन्हां ऑर्डिनेंसां नूं वापस लिया जाए। विधायक नागरा ने मुख्यमंत्री नूं भी अपील की है कि विधानसभा का विशेष इजलास बुला के
ये जो ऑर्डिनेंस ने उन्हों का विरोध करिए और सरकार तक ये आवाज़ पहुँचाइए। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है, हालांकि विरोधी धिर लगातार सवाल खड़े कर रही ने इन ऑर्डिनेंस को लेकर। उधर किसान भी वक् वक् थावां ते बीते दिनों के प्रदर्शन करते हुए नज़र आए ने, पर जिथे भाजपा के वलों ये गल कही जा रही है लगातार कि MSP इस दे नाल खत्म नहीं होगा और ये ऑर्डिनेंस किसानों के फायदे के लिए लियांदे गए ने और आने वाले समय के उन्होंने फायदा देंगे, राहत देंगे, पर ना तो किसान फिलहाल मनने तैयार ने और ना ही विरोधी धिर। इसे दे बाबत ही प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है कांग्रेसी विधायक कुलजीत नागरा दे वल्लों। उन्होंने इन ऑर्डिनेंस का विरोध किया, सरकार का विरोध किया, नाल ही ना मुख्यमंत्री को अपील की है कि पंजाब विधानसभा का विशेष अजलास बुलाया जाए और इस ऑर्डिनेंस का विरोध किया जाए।